नमस्कार मोदी जी, आपकी सरकार सही सलामत रहे। बस मैं ये चाहती हूँ कि अभी बजट आ रहा है तो महिलाओं के लिए कुछ सोचा जाए, क्योंकि एक महिला हूं तो मुझे लगता है अंडरगार्मेंट्स है, जैसे ब्रा पैंटीज है, ये थोड़ी सस्ती हो जाए। एक एक ब्रा तीन तीन चार चार हजार की होती है और उसके साथ में पैंटी भी फ्री नहीं मिलती है, तो महिलाओं के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और जो मेकअप है, मेकअप लगाने का, वो भी थोड़ा सस्ता, लिपस्टिक वगैरह, पाउडर, काजल वगैरह थोड़ा सस्ता होना चाहिए महिलाओं के लिए। और जितने भी शॉर्ट ड्रेसेस है मार्केट में, कपड़ा तो देखो आधा एक मीटर ही लगता है कपड़ा पहनने में, तो वो भी थोड़ा सस्ता होना, शॉर्ट ड्रेसेस एकदम सस्ती हो जानी चाहिए मार्केट में। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं महिलाओं के लिए, स्पेशली कॉन्डम तो फ्री बांटने चाहिए, कॉन्डम जैसी चीजें तो मेडिकल में तो फ्री बांटनी चाहिए लोगों को। लिपस्टिक पाउडर जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं महिलाओं के लिए जो वो अफोर्ड नहीं कर पाती है खूबसूरती के लिए, क्योंकि खूबसूरती रहेगी तो उनका तलाक कभी नहीं। मोदी जी, आप महिलाओं से इतना प्यार करते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से, आप महिलाओं से बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपको खूब भर भर के वोट देंगे। आप जो है ये ब्रा पैंटी सस्ती करवाइए, इसका रेट एकदम मतलब चावल से भी ज्यादा कम होने चाहिए, ताकि रोज नई नई गांव गांव की लड़कियां, शहर की लड़कियां सब नई नई पैंटी रोज पहन सके, नई नई ब्रा पहन सके। डू यू अंडरस्टैंड? कॉन्डम सस्ता करवाइए। और ये सैनिटरी नैपकिन, हर महीने कितना खर्चा आता है सैनिटरी नैपकिन का बताइए। एक लड़की को कम से कम पांच पांच छह से तो सैनिटरी नैपकिन यूज करने पड़ते, इसका ख्याल कौन करेगा? मोदी जी, आप नहीं करोगे तो कौन था? आपकी सरकार नहीं करेगी सैनिटरी नैपकिन, ब्रा पैंटीज और ये बहुत सारी चीजें जो मेकअप वगैरह, शॉर्ट ड्रेसेस, कौन कौन करेगा? मोदी जी, आप इसका ख्याल कीजिए प्लीज, हम महिलाओं के बारे में सोचिए। सिर्फ आप वो दाल चावल रोटी सब्जी घासलेट फ्लैट टैक्स, सिर्फ इसमें ही ध्यान ना दीजिए प्लीज, हम लोगों के बारे में। मैं अकेली महिला हूं जो सारी महिलाओं के लिए लड़ती हूं, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा लगा मैंने सबका ठेका उठा रखा हो। बताओ, जब मैं बोलूंगी तभी क्या? देखिए, हर पार्लर में आप जाते हैं तो सारी चीजें कितनी महंगी हो गई है, वैक्सिंग हो, बिकनी वैक्सिंग हो, हैंड वैक्सिंग हो, आईब्रो हो, फेशियल हो, हेयर वॉश हो, हर जगह तो लूट मचा रखी है जीएसटी के चक्कर में। पैसा इतना महिलाओं से लूटते हैं, बाल बनाना, मेकअप करवाना हो, हेयर स्टाइल करनी हो, कुछ भी करना हो, मुझे तो इतनी दिक्कत हो, मुझे इतनी दिक्कत होती है सेलिब्रिटी होने के बावजूद, तो आप बताइए कि दूसरे नॉर्मल लोगों को कितनी दिक्कत होगी, बताइए। ये जंगल पैरों में जंगल बन जाता, वैक्सिंग नहीं कर सकता इंसान, इतना महंगा होता है, बताओ। तो सरकार ने ना जगह जगह पे जैसे फ्री शौचालय खोल रखे हैं, तो फ्री ब्यूटी पार्लर भी खोल देने चाहिए सरकार ने। फ्री शौचालय तो खोल रखे हैं, वहां पे भी शौचालय में भी आप टट्टी नहीं कर सकते जब तक 2 रुपए ना दो, 1 रुपए ना दो तो आप पी नहीं जा सकते, बताओ। तो ये फ्री पार्लर्स खोले और महिलाओं को सुविधा मिले खूबसूरत बनने की, ताकि उनके हस्बैंड उनको तलाक ना दे। खूबसूरत रोज राज को बन के आएगी तो तलाक औरतों का नहीं होगा, हाँ, और दूसरों से अफेयर भी नहीं करेंगे।